तो आज हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में, और हमने ये कोविड इन्फेक्शन होने के बाद क्लास शुरू की है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम है। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है, ठीक है ना? आपने बहुत सारे प्रोग्रामिंग में या मुझे ही कुछ इस तरह का यूज करते देखा होगा कि डिम आई एज ए इंटीजर, या टेक्स्ट स्ट्रिंग लॉन्ग, इस तरह की चीजें लेते हुए गया। तो क्या है? सबसे पहले जानिए कि हम जो है, अगर मान लीजिए मुझे एक्सेल में 20 वीवीए में 20+30 हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, अब मुझे इसको स्टोर करना है, कोई फंक्शन फॉर्मूला या कैलकुलेशन किया, मुझे इसको स्टोर करना है, क्योंकि 20+30 को कहीं ना कहीं स्टोर करना तो पड़ेगा ना। क्या सर इसका रिजल्ट? आपके पास दो चॉइसेस है कि एक तो आप जो है किसी रेंज पे A1 B1 C1 जैसी रेंज पे आप इसको स्टोर करा, A1 डॉट वैल्यू 20+30, राइट। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमेशा इसको खाली रखना पड़ेगा, इसको हमेशा खाली रखना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं ABCD, इस तरह से ले लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में मैथ बनाते समय हम लोग लेते हैं ना XYZ ABCD, तो क्या होता है, जैसे हमने लिया X=100, और जहां मुझे 100 की जरूरत है वहां पे हमने क्या कर दिया, X लिख दिया। ठीक है, तो उसी तरह से यहां भी ये सेम चीज होगा, तो हम इसका यूज करते हैं। तो यहां पे जैसे बोले हम ए ले लिया, अब यहां पे जहां मुझे चाहिए MSG बॉक्स, और यहां पे हमने ए कर दिया, और जैसे इसको हम प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे 50 शो हो रहा है। तो यहां पे क्या कैलकुलेशन होकर अपने आप स्टोर कर दिया, इसको दे दिया। अब एक क्वेश्चन बढ़ता है कि हमने यहां पे ए नहीं किया, क्या बोलते हैं, डिफाइन नहीं किया। देखिए डिफाइन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट जो है वेरिएंट हो जाता है। तो क्या क्या होता है वेरिएबल, तो वेरिएबल का यूज क्यों होता है, समझ में आ गया आपको? हाँ, इसका यूज होता है टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए, चाहे वो फॉर्मूला हो, फंक्शन हो, किसी तरह के कैलकुलेशन हो। अब यहां पे एक क्वेश्चन उठ के आता है कि आगे कैसे करें, मतलब इसके आगे क्या क्या होता है। तो हम यहां पे बोलते हैं डिम बी एज ए बाइट, पहला होता है हमारा बाइट, डिम आई एज ए इंटीजर, दूसरा होता है इंटीजर, फिर डिम बी एज ए बुलियन, बुलियन होता है, फिर डिम एल एज ए, अब यहां पे एल के जगह कुछ भी ले सकते हैं, बी एल के जगह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब से। लॉन्ग टिम डी एज ए डबल, ये नंबर्स के लिए हो गया, ठीक है। तो ए आपका हो गया बी, हाँ इसमें बी एल जो है ट्रू फॉल्स के लिए होता है, तो ट्रू फॉल्स भी नंबर ही है 01, इसलिए इसको नंबर कैटेगरी में डाला गया है। तो डिम बी एज ए बाइट, इसके आप इसके ऊपर जो है बी इक्वल टू, इसके ऊपर आप 0 से लेके 255 तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि बी आप इक्वल टू 500 कर देंगे तो एरर आएगा, क्योंकि तो इसकी कैपेसिटी जो है 0 से 255 तक की है, विदाउट डेसिमल विदाउट माइनस। इसका जो है, जी हाँ, उसके बाद आई इक्वल टू आप -32,000 समथिंग होता है, 32,000 +32,000 जो है आप ले सकते, 32,000 समथिंग है, एग्जैक्ट फिर याद नहीं मुझे। इसमें भी आप डेसिमल नहीं दे सकते, या फिर आई इक्वल टू यहां 50,000 करेंगे तो एरर देगा। डेसिमल अगर मान लीजिए डेसिमल में डाल दिया कि आपने 80.36 डाला, तो 80 को स्टोर करेगा। बी एल इक्वल टू जो होता है ट्रू एंड फॉल्स, यहां देखना आ गया ट्रू एंड फॉल्स,
उसके बाद लॉन्ग एल इक्वल टू तो माइनस में काफी लंबा डेटा स्टोर करता है, काफी लंबा डेटा, बट डेसिमल ए भी नहीं करता है। लेकिन डी जो है ए सबसे हाईएस्ट नंबर को रखता है, साथ में डेसिमल भी लेता है, प्लस माइनस सब चलता है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो नंबर्स के लिए पहला होता है बाइट, दूसरा होता है इंटीजर, अगर ट्रू फॉल्स में है तो बीएल बुलियन, और लॉन्ग इसके बाद डेसिमल डबल, तो सबसे हाईएस्ट नंबर ये होता है, एक किसी भी तरह के नंबर को स्टोर करता है। उसके बाद आता है कि डिम डीटी एज ए डेट, तो इसके अंदर से आप डेट लिखेंगे, कुछ भी डेट डाल सकते हैं, डीटी इक्वल टू 1 जैन। फिर इसमें अगला आता है डिम एस एज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर आप जो है नॉन कैलकुलेटेड डेटा, चाहे वो नंबर हो या टेक्स्ट हो, ले सकते हैं। नॉन कैलकुलेटेड मतलब कि टेक्स्ट फॉर्मेट में, नहीं लिमिट नहीं है, लिमिट कैलकुलेशन के लिए होता है ना, इसमें तो नॉन कैलकुलेटिव है ना, कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इसलिए लिमिट नहीं है। तरह से अगला जो आता है वो आता है डिम वी एज ए वेरिएंट, वेरिएंट में अब ये ऑलराउंडर होता है, हमने वी इक्वल टू 50 कर दिया तो बाइट बन गया, वी इक्वल टू अगर मैंने 600 कर दिया तो ए बन गया इंटीजर, वी इक्वल टू अगर मान लीजिए कि डेसिमल डाल दिया तो ए बन गया डबल, अगर मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया तो बन गया डेट, टेक्स्ट डाल दिया तो बन गया टेक्स्ट, ऑलराउंडर। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि जब वी हमारे पास वेरिएंट और राउंडर है और हम बिना डिफाइन किए भी डालते हो, बाय डिफॉल्ट वेरिएंट ही होता है। अभी हमने ए किया था ना, ए यूज किया था, तो क्वेश्चन इसमें आता है कि आखिर हम फिर बाकी क्यों ही करें, हम ऑल राउंडर वेरिएंट ही करें। देखिए एक्स ए बात करती है साइज की, कि जब वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो डिम मतलब क्या होता है, डायमेंशन, कि हार्ड डिस्क की किसी डायमेंशन में बी नाम का डेटा, डी नाम का डेटा स्टोर्ड लोकेशन, डेटा टाइप या लोकेशन क्रिएट होगा जो कि डबल टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। एक टेम्परेरी होता है, जब माइक्रो रन होगा तो क्रिएट होगा, माइक्रो हटते हैं वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो होता है क्या है कि लिमिटेशन, कि भाई जब हार्ड डिस्क में कुछ ना कुछ होगा तो कुछ ना कुछ साइज कैप्चर करेगा, तो बाइट अगर किया तो इसने 2 बाइट किया, अगर आपने बाइट लिया तो 2 बाइट हो गया, इंटीजर लिए तो आई थिंक 4 बाइट लेता है, बुलियन 4 ही लेता है, लॉन्ग आई थिंक 8 लेता है, डबल ज़्यादा लेता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो है वो वेरिएंट लेता है 32 बाइट। आप बोले सर बाइट है ना सर, हमारे पास तो 1.5 TB 2 TB 1.5 TB की हार्ड डिस्क है, 8 GB 16 GB का रैम है, तो बेसिकली एक सब्जेक्ट का मतलब कि जो आर आर है ना उसके लिमिट है 255 KB, पहली प्रॉब्लम KB, तो 255 KB है, तो आप अगर बहुत सारे बहुत बड़ा मैक्रो बना रहे हो, बहुत सारे वेरिएबल यूज करोगे, अगर 255 KB से ऊपर गया तो प्रोसीजर टू लार्ज का एरर देगा और मैक्रो परफॉर्म नहीं करेगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरा होता है कन्वर्जेंस, समझे, अब जैसे कि मान लीजिए कि हम डेट के जगह पे डीटी एज ए डेट के जगह पे मैंने अगर वेरिएंट ले लिया तो अब जो है ये डेट डेट नहीं होगा, टेक्स्ट होगा, इसने डेट को कन्वर्ट नहीं करेगा, बात समझे कि नहीं। रिफंड ये आपका ये नहीं करेगा, इसलिए जो है हम जो है यहां पे डेटा टाइप का इस्तेमाल। अच्छा मैंने आपको कोई बुक प्रोवाइड किया है सर,
चलिए मैं आपको यहाँ पे इसमें आपको पेज नंबर 199 मिलेगा, जिसमें बता आपको जो है एक बार ईमेल आईडी दीजिएगा सर, क्या नाम ईमेल आईडी? विजय कवाटिया, यही है क्या? नहीं है, एक बार व्हाट्सएप एक कीजिए, चैट पे भेजिए। इसके बुक के अंदर में पेज नंबर 199 है, जिसमें हमने पूरी डिटेल्स बनाया हुआ है, ठीक है? तो इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए। नहीं हो रेडी सर आपकी? चलिए हम आपको भेज देते हैं। ये बुक का सॉफ्ट हार्ड कॉपी चाहिए होगा तो हम अमेजोन से बुक कर सकते हैं। मिलते हैं कल सेम टाइम।